good morning students welcome in social science virtual class of standard 4th my dear students in previous class we discussed about chapter 11 let us travel rural transportation coastal area transportation and hill area transportation today we will discuss our next topics animal in transportation and urban transportation animals plays an important role in rural transportation in previous e lecture we discussed horse cart bull carts which is used for agriculture goods from rural area to urban area and hilly area mules are used for to transport goods bull carts have been farmers friends since olden times how are bull cart कार्ड्स यूज फॉर फार्मर्स तो कैसे सबको पता है कि बुल कार्ड्स जो है वो फार्मर का फ्रेंड है ओल्डन टाइम से माना जाता है लेकिन वो फार्मर की हेल्प कैसे करते हैं करते हैं फर्स्ट बुल कार्ड्स ऑफ हॉर्स कार्ड कैन गो अप टू द फार्म क्योंकि एनिमल ट्रांसपोर्टेशन हम डिस्कस कर रहे हैं तो बुल कार्ड्स और हॉर्स कार्ड जो है वो फार्म के का फार्मर के फार्म तक जाते हैं फार्मर है यूज इट टू फार्म उन्हें कैसे फार्मर uh, कैसे यूज़ करता है प्लस द फील्ड एंड पुल वाटर फ्रॉम द वेल हेल्प्स द फार्मर टू लोड वेजिटेबल्स एंड अदर गुड्स इजीली फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन टू द मार्केट तो इस प्रकार जो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन में बुलकार्ट्स और हॉर्स हॉर्स कार्ट है वो फार्मर की हेल्प करते हैं नाउ वी विल रीड अबाउट द कैमल कार्ट तो अब हम कैमल काट के बारे में पढ़ेंगे कैमल काट आर फाउंड इन रोड्स ऑफ बीकानेर एंड अदर प्लेसेस ऑफ़ राजस्थान क्योंकि कैमल काट जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है होते हैं इसीलिए कैमल को क्या कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट बीकानेर इज़ फेमस सिटी इन स्टेट ऑफ राजस्थान क्योंकि बीकानेर में सबसे ज़्यादा कैमल्स होते हैं कैमल इज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद टेसल्स एंड बेल्स सी इन द पिक्चर कि कैमल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है किसके साथ टेसल्स के साथ और बेल्स के साथ द ऑनर एड्रेस द कैमल हिज सन एंड पैट्स हिम अफेक्शनेटली तो जो ऑनर होता है वो कैमल को अपने बच्चे बेटे की तरह उसे प्यार करता है कैमल कार्ट आर यूज टू कैरी रेड चिलीज एंड अदर आइटम्स इन राजस्थान मोस्ट ऑफ बिकनेर तो कैमल जो है वो रेड चिल्ली के लिए और अदर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिफ़रेंट अर्बन एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट द इन रूलर एरियाज हमने जैसे डिस्कस किया था डिफरेंट होते हैं रूर एरिया ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन एरिया इन अर्बन एरियाज़ ह्यूज़ ट्रक्स एंड ट्रेलर्स ट्रांसपोर्ट मैनी हैवी मशीन्स फ्रॉम सी पोर्ट एंड फैक्ट्रीज़ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैवी मशीन्स क्या कौन सी हैवी मशीन्स होती हैं ऑन ह्यूज़ ट्रक वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो बड़े बड़े मशीन्स होती हैं इक्वमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चरल प्रिंटिंग मशीनरी ड्रिलिंग इक्पमेंट्स वो सारे जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अ ट्रेलर इज यूज टू कैरी द लेटेस्ट कार्स टू द और सिटीज़। दिस रिफ्लेक्ट्स प्रोग्रेस ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपल हु हैव क्रिएटेड अ लार्ज डिमांड ऑफ कार्स तो ट्रेलर्स जो हैं वो हैवी कार्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड इट इजी फॉर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया क्योंकि मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना ईजी कर दिया है अर्लियर सिटीज़ फेस्ड ह्यू शॉर्टेज ऑफ मिल्क इन समर टाइम्स हाउ आवर नाओ आर सिचुएशन हैज चेंज स्पेशल ट्रक्स कलेक्ट मिल्क फ्रॉम रूरल एरियाज़ एंड ट्रांसपोर्ट इट टू दिटीज इन ऑल सीजन्स नेक्स्ट वन इज शिप्स आई यूज ट्रांसपोर्टिंग वेरी हैवी आइटम्स ओवर सी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर सच एज हैवी आइटम्स लाइक ड्रिल ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स मशीनरी फॉर प्रिंटिंग टेक्सटाइल अदर मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन बाई शिप्स इज चीपर दैन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि शिप्स जो हैं वॉटर ट्रांसपोर्ट इज चीपर दैन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन disadvantage as वी discussed rural और अर्बन एरिया means ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने अर्बन एरिया और रूरल एरिया के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया लेकिन उनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एक्सपेंडिंग रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स हैज़ मनी नेगेटिव इफेक्ट्स ट्रांसपोर्ट के जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव इंक्रीज सबसे ज़्यादा क्या इंक्रीज़ होता है ट्रैफिक ऑन रोड्स एवरी डे वी फाइंड ट्रैफिक जैम्स डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्सीडेंट्स पल्यूशन्स देर आर द थ्री मेन रीज़न्स कि एक तो ट्रैफिक जैम्स ज़्यादा हो जाते हैं डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एक्सीडेंट पल्यूशन

और अननेसेसरी जो डिले होता है उसको रिमूव किया जाए कम किया जाए ख़त्म किया जाए बेटर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीज़ल तो हमें इन चीज़ों को पेट्रो ख़त्म करने के लिए ज़्यादा पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल बेटर क्वालिटी का होना यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स आर यूजिंग सीएनजी तो अगर पॉसिबल हो तो सीएनजी व्हीकल यूज़ करें बेटर क्वालिटी पेट्रोल एंड डीजल टू रिड्यूस द वैक्यूलर पोल्यूशन सी एन जी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डू यू नो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम पॉपुलर इन ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैस टिल नाउ क्योंकि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत आजकल पॉपुलर है किसके लिए ऑयल के लिए और गैस के लिए फार इट वॉज़ यूज ओनली फॉर वाटर क्योंकि पहले इसको ओनली वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही वाटर को के लिए ही यूज़ किया जाता था आई होप यू अंडरस्टाउड स्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल थैंक यू हैव आ नाइस टू